हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 20th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मंकी किंग का पुनर्जन्म हो चुका है। पहले तो वो हुआंग गुशान को बायरन के कहर से आजाद कराता है और फिर हम उसे रूलाई के साथ असुरों के इलाके में जाते हुए देखते हैं। यहाँ उसे अपनी गोल्डन स्टिक वापस मिल जाती है। तभी वो देखता है कि असुर किंगडम सामने ही है और रूलाई से पूछता है कि आखिर हम यहाँ क्या करने आए हैं। तब रूलाई उसे बताता है कि सालों पहले हेवन और असुरों में एक युद्ध हुआ था और डाई शिटियान ने अपनी तलवार को यहाँ एक निशानी के तौर पर रखा था, और अगर वो तलवार हमें मिल जाए तो हम हेवन के डार्क सीक्रेट्स को जान सकते हैं। मंकी किंग एक बार फिर हेवन का नाम सुनकर चिढ़ जाता है, लेकिन रूलाई कहता है कि डाई शिटियान सूत्रा को हासिल किए बिना नहीं मानेगा और ये तलवार हमें उसे रोकने का तरीका बता सकती है और इससे जैंग और उसके साथियों का रास्ता भी आसान हो जाएगा। मंकी किंग फाइनली उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि रूलाई अंदर जाकर असुरों का ध्यान भटकाएगा और मौका देखकर मंकी किंग को उस तलवार को चुराना होगा। फिर वो उसे एक स्क्रॉल देता है जो उसे बताएगा कि तलवार चुराने के बाद क्या करना है। मंकी किंग पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगे, और इस पर रूलाई कहता है कि ये जर्नी हम में से कोई एक ही कर सकता है। आगे वो उसे असुरों के बारे में बताता है कि कैसे वो एक बहुत बहादुर क्लैन है और देवता भी यहाँ आने से बहुत डरते हैं। बचपन से ही इन्हें अपनी ताकत यूज करना सिखाया जाता है और इनके सभी फैसले लड़ाई के थ्रू ही होते हैं। फिर वो उसे इनके लीडर लुओ हाउ की कहानी सुनाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक असुर कुछ कैदियों के लिए खाना लेकर आया है। ये कैदी असल में कुछ असुर बच्चे हैं जो अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और आज यहाँ इनके बीच फाइट होने वाली है। तभी वो एक दूसरे बच्चे को कोने में अकेला बैठे हुए देखते हैं, जो असल में लुओ हाउ है, और पूछते हैं कि आखिर वो क्यों रो रहा है। इस पर लुओ हाउ कहता है कि आज मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ और यही सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सुनकर वो बाकी बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो तुम्हें जंग के मैदान में पता चलेगा। आगे हम उन सभी को लुओ हाउ से लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक एक करके उन सभी को मार डालता है और अब बस वहाँ एक आखिरी बच्चा बचा है। वो अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर डर जाता है और तब लुओ हाउ उसे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहता, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये सुनकर वो बच्चा उस पर अटैक करने आता है, लेकिन लुओ हाउ बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालता है। बाकी असुर भी ये देखकर दहशत में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आया है। तभी उनका काउंसलर सिंड्रोजा वहाँ आता है और कहता है कि तुमने अपने पोटेंशियल को साबित कर दिया है और अब से तुम एक असुर फाइटर कहलाओगे। बाकी लोग भी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और सिंड्रोजा उसे बताता है कि तुम तीन असुर राजाओं में से किसी की भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन लुओ हाउ उसके इस ऑफर का कोई जवाब नहीं देता और नीचे पड़े उस लड़के का सिर काट लेता है। वो कहता है कि मैंने आपके सारे टेस्ट पार कर लिए हैं और अगर मुझे चुनने की आज़ादी है तो मैं अपने लिए एक शांत लाइफ चुनना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये लड़का ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तब लुओ हाउ बताता है कि तीनों किंग हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और अगर वो ऐसे ही करते रहे तो जल्दी ही असुर क्लैन का नामो निशान मिट जाएगा और इसीलिए मुझे उनकी आर्मी ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंड्रोजा उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कहता है कि टाइम आने पर तुम वापस जरूर आओगे। मंकी किंग भी लुओ हाउ से बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि इतने इंटरेस्टिंग आदमी को तो हमें डायरेक्टली चैलेंज करना चाहिए, लेकिन रूलाई उसे समझाता है कि हमें लुओ हाउ को कमजोर नहीं समझना चाहिए और वैसे भी मैं अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ हूँ। फिर वो उसे लुओ हाउ का आगे का किस्सा सुनाता है कि कैसे उसने खुद को यहाँ का किंग बना लिया। हमेशा की तरह असुरों के बीच एक फाइट चल रही होती है जिसे हाउस ऑफ शाशेंग का फाइटर जीत लेता है। काउंसलर सिंड्रोजा उसे विनर घोषित करने लगता है, लेकिन तभी लुओ हाउ वहाँ आकर उसे चैलेंज करता है। वो कहता है कि दिन ब दिन तुम्हारी जनरेशन कमजोर होती जा रही है और मैं चाहता हूँ कि तीनों किंग्स के फाइटर एक साथ मुझे चैलेंज करें और अगर मैं जीत गया तो काउंसिल को मुझे यहाँ का फोर्थ किंग बनाना होगा। ये सुनकर वहाँ बैठे असुरों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। सिंड्रोजा भी लुओ हाउ को पहचान जाता है और कहता है कि फाइनली तुम वापस आ ही गए। वो पूछता है कि आखिर तुम ऐसा चैलेंज क्यों लेना चाहते हो, जिस पर लुओ हाउ बताता है कि मैं असुरों के सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ, और ये सुनकर किंग्स के फाइटर उसे घेर लेते हैं। लुओ हाउ भी अपनी फाइटिंग पावर एक्टिवेट करता है और ज्यादातर फाइटर्स तो इसके ऑरा को ही नहीं झेल पाते।
बचे हुए फाइटर्स भी एक एक करके उसके सामने दम तोड़ देते हैं और असुर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये पिछले 10 दिनों से लगातार लड़ रहा है। सिंड्रोजा भी देखता है कि उनके सारे चैलेंजर्स खत्म हो चुके हैं और हार कर वो उसे इस चैलेंज का विनर अनाउंस करता है और कहता है कि अब से तुम असुर क्लैन के चौथे किंग हो। बाकी असुर भी उसे नए किंग के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी तरह वो पिछले 300 सालों से यहाँ राज कर रहा है। रूलाई बताता है कि मैं भी उससे पिछली बार 300 साल पहले मिला था और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये मुलाकात भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मंकी किंग देखता है कि यहाँ आसपास कोई गार्ड नहीं है और तब रूलाई उसे बताता है कि इनकी पोजीशन इनके फाइटिंग रैंक से तय होती है, जैसे सिटी की निगरानी का काम एक फर्स्ट क्लास फाइटर का है। तभी वहाँ एक बग्गी आकर रुकती है और पता चलता है कि ये एक फर्स्ट क्लास फाइटर डीमन शेक है। वो एक देवता और डीमन के यहाँ आने का कारण पूछता है और रूलाई कहता है कि हम तुम्हारे किंग लुओ हाउ से मिलने आए हैं। डीमन शेक ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा सिर काट कर लुओ हाउ के पास ले जाऊंगा। ये कहकर वो रूलाई पर अटैक करने आता है लेकिन मंकी किंग बीच में आकर उसे दूर उछाल देता है। मंकी किंग कहता है कि मैं तो काफी टाइम से लड़ने की ही सोच रहा था, चलो अच्छा है कि तुम खुद ही सामने आ गए। ये कहकर वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और वहाँ खड़े असुर भी उनकी लड़ाई का मजा लेने लगते हैं। इधर कुछ दूसरे असुर रूलाई की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे देवता का सिर मिलना बहुत रेयर है और आज हम अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। रूलाई समझ जाता है कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है और वो इसका फैसला करने के लिए काउंसिल में जाने को कहता है। इस पर डीमन शेक कहता है कि तुम एक देवता हो और ये हक सिर्फ असुरों के पास है। रूलाई उसे याद दिलाता है कि रूल्स के हिसाब से कोई भी काउंसिल में अपना चैलेंज डाल सकता है और तुम्हारे जैसे फर्स्ट क्लास फाइटर को ये सब पता होना चाहिए। डीमन शेक ये सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे देवता से ये रूल सीखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो गुस्से में उस पर अटैक करने की सोचता है लेकिन तभी हुजी नाम की लेडी असुर उसे रोक लेती है, जो सिंड्रोजा की तरह काउंसिल की सीनियर लीडर है। वो कहती है कि ये हमारे रूल्स के बारे में सच कह रहा है और हमें उसकी बात माननी ही होगी। लेकिन डीमन शेक उसे याद दिलाता है कि देवता असुरों के जानी दुश्मन है और अगर लुओ हाउ भी यहाँ होता तो वो भी ये बात कभी नहीं मानता। तब हुजी उसे बताती है कि इस वक्त लुओ हाउ कहीं बाहर गया हुआ है और उसकी एब्सेंस में मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ। फिर वो रूलाई को वॉर्न करती है कि अगर उसने कोई भी चालाकी दिखाई तो वो अपने लोगों को नहीं रोक पाएगी, लेकिन रूलाई उसे यकीन दिलाता है कि वो यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ये सुनकर हुजी गार्ड से उन्हें काउंसिल में लाने को बोलती है और उनके फाइटर्स भी एक देवता को यहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। हुजी सबको बताती है कि रूलाई यहाँ हमारे किंग से मिलने आया है लेकिन उससे पहले इसे हमारे एक फाइटर से युद्ध करना होगा। रूलाई भी उनसे अपने बेस्ट फाइटर को भेजने को बोलता है और तब उनका लेवल 3 का फाइटर बायकूस से लड़ने आता है। उसके दोस्त भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और बताते हैं कि ये लड़ाई जीत कर तुम एक फर्स्ट क्लास फाइटर बन जाओगे। वो भी अपने लोगों को देखकर उन्हें चीयर करने लगता है और तभी अचानक रूलाई अपने एक ही पंच से उसे चित कर देता है। पूरे अरीना में सन्नाटा फैल जाता है और रूलाई हुजी से अपने दूसरे फाइटर को बुलाने को कहता है लेकिन हुजी उसे पीछे देखने को कहती है, जहां बायगू एक बार फिर उस पर अटैक करने आ रहा है। रूलाई समझ जाता है कि ये फाइटर एक अच्छे लेवल का है और उसे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आगे हम उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं, जहां बायगू बीच में अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसके बाद रूलाई पर भारी पड़ने लगते हैं। मंकी किंग को लगता है कि शायद रूलाई को मदद की जरूरत पड़ने वाली है और उधर हुजी अपने क्रो से लुओ हाउ तक एक मैसेज भेजती है। बाकी असुरों को भी लगता है कि शायद बायगू जीतने वाला है लेकिन हुजी जानती है कि रूलाई हेवन का सबसे पावरफुल योद्धा था और वो किसी भी वक्त गेम को पलट सकता है। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और रूलाई मौका देकर बायगू को चित कर देता है। बाकी असुर भी ये देखकर परेशान हो जाते हैं और हुजी अपने लोगों से बायगू को बाहर ले जाने को बोलती है। तभी एक फर्स्ट क्लास फाइटर ओनिकाटा उसे चैलेंज करता है और रूलाई को याद आता है कि वो पहले भी एक बार उससे लड़ चुका है। ओनिकाटा कहता है कि हमारा पहला मुकाबला 300 साल पहले हुआ था और आज तुम्हें मार कर मैं उस फाइट को पूरा कर दूंगा। रूलाई समझ जाता है कि ये पहले वाले फाइटर से कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो इसे हल्के में नहीं ले सकता। फिर ओनिकाटा अपनी तलवार से उस पर हमला करने आता है लेकिन हम देखते हैं कि अचानक सीन बदलकर एक जंगल में आ गया है।
वहाँ कुछ असुर बच्चे एक लोयन को मारने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही वो लोयन उनके सामने दम तोड़ देता है। यही हम असुर किंग लुओ हाओ को देखते हैं, जिसे वो क्रो आकर हुजी का मैसेज देता है और उसे हैरानी होती है कि आखिर रूलाई उससे मिलने क्यों आया है। ये सोचकर वो तुरंत अपने पैलेस की ओर वापस चला जाता है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।